हे वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो गाइस सबसे पहले मैं सॉरी कहना चाहूँगा, ये जो वीडियो है ये कम से कम 2 या 3 हफ्तों के बाद में आ रहा है। तो गाइस मेरा बीच में बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है, घर का और ऑफिस का, उसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा है वीडियोस रिकॉर्ड करने में या फिर उसे एडिट करने में। बट आज मैंने सोचा कि टाइम निकाल कर वीडियो बना ही देता हूँ आप लोगों के लिए और उसे फाइनली पब्लिश कर ही देता हूँ, बिकॉज़ वैसे भी बहुत दिन हो गए थे मैंने वीडियोज़ नहीं डाले थे। तो गाइस आज का वीडियो बहुत यूनिक टॉपिक पर होने वाला है, ये वीडियो आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा यूट्यूब पर देखने को। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाइक के टायर्स के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा आपकी बाइक में कौन से टाइप का टायर आपने डलवाना चाहिए, बाइक में कौन कौन से टाइप के टायर्स आते हैं, उनके फ़ायदे क्या है, उनके नुकसान क्या है, हार्ड कंपोनेंट टायर क्या होता है, सॉफ्ट कंपोनेंट टायर क्या होता है, रोलिंग रेजिस्टेंस क्या होता है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक टर्म के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है रोलिंग रेजिस्टेंस। तो गाइस ये रोलिंग रेजिस्टेंस जो है वो अपने नाम से ही बताता है कि आपके जो बाइक का जो टायर है उसे रोल करने में वो रेजिस्ट करता है, यानी कि आपकी बाइक का जो टायर है उसे अगर रोल करना हो तो ये जो रोलिंग रेजिस्टेंस जो कंपोनेंट है वो उसे रोकता है। तो गाइस ये जो रोलिंग रेजिस्टेंस है ये आगे जाकर आपको पता चलेगा कि मैंने क्यों बताया आपको। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आप देख रहे हो कि सामने मेरी सुजुकी GSX S1000 खड़ी है और एक थंडरबर्ड खड़ी है। तो गाइज आप इन दोनों के बाइक का जो टायर है उसमें का आप डिफरेंस देख रहे हो। ये जो मेरी सुजुकी है इसका टायर बहुत ज़्यादा वाइड है, साथ ही में ये इसमें थोड़ा सा प्लेन टाइप का है। अगर मैं बुलेट की बात करूँ तो बुलेट का जो टायर है वो थोड़ा सा नैरो है और इसमें आप देखोगे ये खाचे खाचे बहुत ज़्यादा है। तो गाइज मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। आपने बचपन में जब भी आप पेंसिल यूज़ करते थे तो आपने इरेजर जरूर यूज़ किया होगा। तो गाइज हमारे बचपन में 2-3 प्रकार के इरेजर्स आते थे, एक तो था अपना नटराज का यानी कि नॉर्मल इरेजर और दूसरा होता था अप्सरा का नॉन डस्ट वाला जो कि एकदम सॉफ्ट इरेजर होता था। तो गाइज ये दोनों इरेजर जो है वो इक्वली ही जो आपकी जो लिखावट होती थी उसे मिटाते थे, लेकिन आपका जो अप्सरा का जो नॉन डस्ट वाला था वो थोड़ा सॉफ्ट था, उसकी वजह से आपको यूज़ करने में वो ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। तो गाइज ये जो आपके बाइक के जो टायर्स होते हैं ये भी इसी प्रकार में बने हैं। जो बाइक के जो कुछ टायर्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, उसे हम सॉफ्ट कंपोनेंट टायर्स कहते हैं। कुछ बाइक्स के जो टायर्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, उन्हें हम हार्ड कंपोनेंट टायर कहते हैं, जैसे कि मैंने इरेजर का आपको एग्जाम्पल दिया। तो गाइज मैं आपको बताता हूँ सॉफ्ट कंपोनेंट के टायर्स के बारे में। तो गाइज जैसे कि मेरी GSX S1000 है इसमें सॉफ्ट कंपोनेंट टायर्स यूज होते हैं। तो गाइज ये जो सॉफ्ट कंपोनेंट टायर्स जो है वो मोस्टली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक्स यानी कि सुपर बाइक्स में यूज होते हैं जिनका टॉर्क ज़्यादा होता है, बिकॉज ये जो सॉफ्ट जो कंपोनेंट टायर्स होते हैं उनकी ग्रिप ज़्यादा होती है। तो गाइज ये जो परफॉर्मेंस बाइक होती है उनका टॉर्क ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि जब भी आप पिकअप पकड़ते हो यानी कि जब भी आप एक्सेलरेट करते हो तो आपकी बाइक जो है वो तुरंत आगे चली जाती है। तो गाइज अगर आपके बाइक के टायर का अगर ग्रिप अच्छा ना होगा तो आपकी बाइक जगह पर ही स्लिप हो जाएगी और आप नीचे गिर सकते हो। तो गाइज उस वजह से ये जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक्स होती है उनमें सॉफ्ट कंपोनेंट टायर्स यूज होते हैं, तो जिनकी वजह से इनकी ग्रिप ज़्यादा अच्छी रहती है। साथ ही में आपने देखा होगा रेसिंग में जो लोग होते हैं वो लीन होकर गाड़ी चलाते हैं यानी कि एक साइड में झुककर गाड़ी चलाते हैं, ये पॉसिबल होता है आपके सॉफ्ट कंपोनेंट टायर्स की वजह से ही, बिकॉज आपकी जो बाइक है उसमें अच्छी ग्रिप मिलती है, उसकी वजह से आप कॉर्नरिंग अच्छी कर सकते हो। तो गाइस दूसरी चीज़ अगर बताऊँ तो ये जो सॉफ्ट कंपोनेंट जो टायर्स होते हैं उनकी लाइफ थोड़ी कम होती है, बिकॉज ये जो टायर्स है वो बहुत ज़्यादा जल्दी घिस जाते हैं। सॉफ्ट कंपोनेंट टायर्स की जो लाइफ होती है वो 8 से 9 हज़ार किलोमीटर्स की होती है। अगर मैं इसे कंपेयर करूँ हार्ड कंपोनेंट टायर से तो हार्ड कंपोनेंट टायर्स की जो लाइफ है वो 30,000 किलोमीटर्स की होती है। तो गाइज अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो कॉस्ट में जमीन आसमान का फर्क है सॉफ्ट कंपोनेंट और हार्ड कंपोनेंट टायर्स में। मेरी ये जो सुजुकी जो बाइक है इसका टायर आपको मिलेगा 22,000 से लेकर 28,000 रुपीस तक। उसी को अगर मैं कंपेयर करूँ बुलेट के टायर से तो बुलेट का आपको टायर मिलेगा, अगर आपने C8 का टायर लिया तो आपको 4-4.5 हज़ार का मिलेगा, आपको सस्ते भी टायर्स मिल सकते हैं। तो गाइज जैसे कि मैंने बताया ये जो सॉफ्ट कंपोनेंट टायर्स जो होते हैं इनका आप कॉस्ट ज़्यादा होती है, उनका मेंटेनेंस ज़्यादा होता है, साथ ही में उनकी लाइफ कम होती है, बट उनका एक ही एडवांटेज है कि वो आपकी बाइक की जो ग्रिप है वो अच्छी तरह से पकड़ते हैं रास्ते पर, जिसकी वजह से आपकी जो बाइक है उसका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, उसकी वजह से आप जो है वो एक्सीडेंट का जो खतरा होता है वो कम हो जाता है। तो गाइज अगर मैं हार्ड कंपोनेंट टायर्स की बात करूँ तो हार्ड कंपोनेंट टायर्स जो है वो उनकी ग्रिप ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, बट उनका जो लाइफ है वो ज़्यादा अच्छी होती है। हार्ड कंपोनेंट टायर्स कंपेरेटिवली मैं तो कहूँगा 4 या 5 गुना ज़्यादा चलते हैं। आपने अगर एक बार बाइक को अगर हार्ड कंपोनेंट टायर बैठा है तो आपका वो जो टायर है वो 30 से 35,000 किलोमीटर तक चलेगा। तो गाइस दूसरी अगर मैं बात करूँ तो हार्ड कंपोनेंट टायर जो होते हैं जो कि नॉर्मल बाइक्स में डलते हैं उनकी प्राइस बहुत कम होती है। जैसे कि मैंने बताया मेरी सुजुकी का जो टायर है 22,000 से लेकर आगे उसकी कीमत बढ़ती है, बट अगर मैं नॉर्मल बाइक्स के टायर की बात करूँ तो वो आपको 2-2.5 हज़ार से लेकर आपको 6-7,000 तक मिलते हैं।
तो गाइज ये हार्ड कंपोनेंट टायर्स का जो हीटिंग रेशो जो है वो बहुत कम है। ये जो हार्ड कंपोनेंट टायर्स है वो बहुत लेट में हीट होते हैं, इसकी वजह से इसकी ग्रिप ज़्यादा नहीं बनती है। अगर मैं उसे कंपेयर करूँ सॉफ्ट कंपोनेंट टायर्स को, तो सॉफ्ट कंपोनेंट टायर्स जो है वो बहुत जल्दी हीट हो जाते हैं, उसकी वजह से उन्हें ग्रिप पकड़ने में मदद होती है रास्ते में। तो गाइज़ अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो ये जो सॉफ्ट कंपोनेंट टायर्स है इनका रोलिंग रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, यानी कि वो बाइक का जो टायर है उसे रोल करने में रोकते हैं। तो गाइज उसकी वजह से बाइक का जो माइलेज है वो कम हो जाता है। अगर मैं इसे कंपेयर करूँ हार्ड कंपोनेंट टायर से तो इसका जो रोलिंग रेजिस्टेंस है वो बहुत कम है, यानी कि इसमें आपकी बाइक में जरा भी रुकावट नहीं होती आगे जाने में, उसकी वजह से आपके बाइक का जो माइलेज है वो आपको ज़्यादा मिलता है। तो गाइज ये जो सॉफ्ट कंपोनेंट टायर्स है ये मोस्टली सुपर बाइक्स के लिए आते हैं, यानी कि इनकी जो विड्थ होती है वो ज़्यादा होती है। इनकी जो विड्थ होती है वे 140 mm से आगे होती है। अगर मैं इसे कंपेयर करूँ हार्ड कंपोनेंट टायर्स में तो ये जो टायर्स होते हैं ये नॉर्मल बाइक्स के लिए यूज़ होते हैं, इनकी जो विड्थ है ये ज़्यादा नहीं होती है। तो गाइज ये जो सॉफ्ट कंपोनेंट जो टायर्स है ये मोस्टली सब इंपोर्ट होते हैं फॉरेन से। इंडिया में सिर्फ जेके टायर एक कंपनी है वो सॉफ्ट कंपोनेंट टायर बनाती है, बट अगर मैं हार्ड कंपोनेंट टायर की बात करूँ तो 99% जो भी हार्ड कंपोनेंट टायर्स जो है वो इंडिया में बनते हैं, ये बाहर से नहीं आते। इसकी वजह से इनकी जो प्राइस है वो कम है। तो गाइज ये था एक शॉर्ट वीडियो बाइक के टायर्स के बारे में। आपको आपके बाइक में हार्ड कंपोनेंट टायर लगाना है या फिर सॉफ्ट कंपोनेंट टायर लगाना है वो आपका चॉइस है, बट मैं तो कहूँगा एक बार आपने मेरा वीडियो देख लेना टायर लेने के पहले, उसकी वजह से आपको मदद होगी आपकी बाइक में कौन सा टायर लगाना चाहिए। तो आई होप गाइज मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, मैं आपके लिए नए नए वीडियोज़ लाते रहूँगा। थैंक यू।